शीत सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन ये शीत सत्र 2023 ने महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ को क्या दिया है और उसमें किसानों को कितनी यहाँ सफलता मिली है, किसानों को मदद नहीं, किसानों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। जो यहाँ पे कांदा का जो प्रश्न है उसको लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का भी एक किया, अणु ऊर्जा पे आधारित जो साइंटिस्ट है काकोड़कर जी, उनके माध्यम से वो कांदा स्टोरेज बढ़ेगा, एक साल तक वो कांदा अच्छे से रह सकता। दूसरा धान के लिए उन्होंने बड़े प्रमाण में उसका 3 हेक्टर तक के उसको मुआवजा दिया और 14-15 लोगों को उस दिन उन्होंने DBT के द्वारा पैसे भी दिए, 27,000 रुपये प्रति हेक्टर। ये बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की। किसानों के लिए भी प्रश्न और विशेष रूप से इसके शीतकालीन सत्र में ये नागपुर के विशेष अधिवेशन में विदर्भ के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। कई जगह जो प्रशासन की जो बातें हैं, अधिकारियों की कमी, इसकी भी चर्चा हुई। और आपने भी देखा होगा कि विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबा कामकाज चला। हम सारे MLA लोग, विधायक लोग खुश है, इसलिए कि हमको सभी को वहाँ पे बोलने का मौका मिला, अपने प्रश्न इस विभाग के रखने का अच्छा एक संधि प्राप्त हुई और अच्छा सफल रहा यह दिन। आपने अभी बताया कि आपको बोलने का मौका मिला और काफ़ी मुद्दों पर जो है सकारात्मक भूमिका रही है सरकार की ओर से, लेकिन विपक्षियों द्वारा कई विधायकों ने ये आरोप भी लगाया कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, साथ ही साथ जो है सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर सकारात्मक नहीं। देखिए आप भी जानती है, मैं हम भी जानते हैं, विरोधक का काम है वो बोलना कि भाई किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक नहीं है, गंभीर नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन हर कोई, मैं ऐसा कोई भी, मैं तो ये कहूँगा कि विरोधी पक्ष के बहुत कम लोग रहे, वो हर कोई तो बोलते हुए मुझे सभागृह में हाउस में दिख रहा था। अभी एक ही विषय को अगर 10-10 बार कोई बोलेगा तो थोड़ी होने वाला है। आज निषेध भी किया है आखिरी दिन शीत सत्र का, विपक्षियों द्वारा निषेध हुआ है कई मुद्दों को लेकर। सर ये पॉलिटिकल मूवमेंट रहती है, उनको भी देखना है, उनको भी मीडिया में रहना है, पब्लिक के सामने जाने का है, इसलिए। और कल तो मराठा आरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे निवेदन किया, फिर भी उन्होंने वॉकआउट किया, कोई जरूरत नहीं थी। विधायक इन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को लेकर सरकार जो है सदन में सकारात्मक रही है, बोलने का मौका दिया गया, साथ ही साथ जो है किसानों के मुद्दे को भी सकारात्मक तरीके से जो है सरकार ने हल किया है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षिति जादेशमुख, BCN News नागपुर।